सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीयूबी डीईटी काउंसलिंग 2024 के बारे में, डेट इज ऑफ राउंड टू का आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो कि आपका कब रिलीज होगा, वो होगा आपका आज रिलीज ऑफिशियल वेबसाइट पे wbjeeb.nic.in पर। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे आपका रिलीज होता है तो कैंडिडेट्स को जो पे करनी होगी अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस बिटवीन अगस्त 21 टू अगस्त 24। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सेकेंड राउंड का अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर द प्रेजिडेंसी ऑफ यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका रिलीज होगा रिजल्ट ऑन 21st ऑफ अगस्त। कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में वही अपना जो है रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है wbjeeb.nic.in। कैंडिडेट्स को जो है एंटर करना होगा अपना लॉग इन डिटेल्स सच एज अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड ताकि वो डाउनलोड कर सके अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट उनको अपनी पे करनी होगी सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिससे आप इजीली जो है रिजल्ट को मतलब आगे अपनी सीट के लिए या फिर कॉलेज में जो है अप्लाई कर पाओगे। 1000 रुपीज़ आपकी फीस है सीट एक्सेप्टेंस फीस फॉर अगस्त 21st लेकर 24 बीच में आपको ये जो कि सबमिट करनी होगी, और ये रिक्वायर्ड भी होगा कि आपको जो रिपोर्ट करना होगा अपनी यूनिवर्सिटी में फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द एडमिशन। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एसेंशियल है नोट करना कि अगर जो सीट आपकी अपग्रेड होती है जो अर्ली अलॉटमेंट है वो आपको कैंसिल कर दी जाएगी। जैसे अगर आपको पिछली बार कोई फर्स्ट में कुछ मिली है बट अगर आपकी सेकंड में आपने कोई और सीट आप सोच रहे हो मतलब सीट अगर आपको मिलती है तो फर्स्ट वाली आपकी कैंसिल कर दी जाएगी और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एज सच जो कैंडिडेट्स है कैन नॉट रिवर्स अपग्रेडेशन, दैट इज की ही और शी कैन नॉट क्लेम अर्लियर अलॉटमेंट बैक। ऑन द अदर हैंड इफ द सीट नॉट अपग्रेडेड जो अर्लियर सीट है वो रिमेन करेगी या फिर वो रिजर्व रहेगी फॉर द स्टूडेंट। एज पर द ऑफिशियल शेड्यूल जो बोर्ड है उसने अनाउंस कर दिया कि राउंड 3 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी आएगा, डेट इज ऑन अगस्त 28। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको जब अपनी यूनिवर्सिटी लेकर जाने हैं, दैट इज एक तो आपका अलॉटमेंट लेटर हार्ड कॉपी होनी चाहिए उसके, ना कि सॉफ्ट कॉपी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास, दैट इज ऑफ रैंक कार्ड, मार्कशीट क्लास 10, मार्कशीट ऑफ क्लास 12 प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड द इनकम सर्टिफिकेट प्लस योर आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर द एडमिशन। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।